तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू क्वेश्चन में। सवाल कहता है, अगर ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर, जैसे ये ए पाइप है, ये बी है और ये सी है, ये 10 आवर में भर देती है और बी 15 आवर्स में भर देती है, पर जो सी है वो 20 आवर्स में खाली कर देती है। शुरुआत में ए और बी को ओपन किया गया, लेकिन जब ये देखा गया कि टैंक पूरा भरने वाला था, तो ये लगा पता कि सी भी गलती से खुला हुआ था। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी यहां पे निकल के? 60। इसके 6 यूनिट्स, इसकी 4 और इसकी -3। तो अगर यही दोनों टैंक को अगर भरते तो इनको भरने में कितना टाइम लगता? 60 अपॉन में 6 प्लस 4 10, 6 आवर्स में ये टैंक को भर देते। लेकिन इन 6 आवर्स में ये भी तो खुला रहा था और इसने 60 में से 18 यूनिट्स का पानी निकाल दिया होगा। अब इसको बंद किया गया सी को और वापस ए और बी को चलाया गया। तो अब ए और बी जब चलेंगे तो ये इनकी तो टाइम वही है, तो अब इन्हें कितना कितना टाइम लगेगा? 18 बाई 10। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 9 बाई 5। यहां पे आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 5 1 5 4, आंसर आएगा 1 4 बाय 5। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और एक न्यू कंसेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक बात है, एक बाथटब है, उसको भरा जा सकता है कोल्ड वाटर पाइप इन 10 मिनट। मतलब जैसे कि बाथटब है, इसमें आपने यहां पे डाल दिया है कोल्ड वाटर पाइप, कोल्ड वाटर पाइप है और यहां पे एक हॉट वाटर पाइप भी है जो यहां पे जा रही है हॉट वाटर। जो कोल्ड वाटर पाइप है वो 10 मिनट्स में भरती है और जो हॉट वाटर पाइप है वो 15 मिनट्स में भर देती है। तो ये 10 में और ये 15 में, बाथटब का की कैपेसिटी 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। फिर कहते हैं, पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग बोथ कोल्ड वाटर पाइप एंड हॉट वाटर पाइप ऑन करके छोड़ के चला जाता है, और जब वो वापस आता है वो देखता है कि वे एक वेस्ट पाइप, यहां से एक वेस्ट पाइप भी चल रही है जो पानी यहां से निकाल रही है। वेस्ट पाइप हैज बीन ओपन्ड, वो उसको क्लोज करता है और 4 मिनट मोर में जो बात है वो पूरा का पूरा भर जाता है। हमको बताना है कि जो वेस्ट, हमें बताना है कितने टाइम में वेस्ट पाइप एम्प्टी करेगा। अब आप यहां पे देखिए, अगर ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर पाइप ये चल रही होती तो 30 अपॉन में 5, 6 मिनट्स में वो उसको खाली कर देती, लेकिन 6 मिनट्स वेस्ट पाइप भी तो चली। इसने 6 मिनट्स पानी को निकाला और जब इसको बंद कर दिया तो 4 मिनट इन दोनों ने मिलके 4 मिनट में पानी वापस डाल दिया जितना वेस्ट पाइप ने 6 मिनट में निकाला। वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 20 अपॉन में 6, यानी कि 10 बाई 3। हमसे सवाल ने पूछा है कि वेस्ट पाइप कितने समय में उसको खाली करेगी, आंसर इज टाइम कितना होता है? 30 अपॉन में 10 बाय 3, 3 ऊपर, 30 × 3 अपॉन में 10, आंसर इज 9 मिनट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd में। ये कहता है, दो टैप्स ए और बी एक टंकी को भरते हैं 20 एंड 30 मिनट्स में। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 20 में भरता है और ये 30 में भरता है। एक सी पाइप भी है जो उस टंकी को खाली करता है। शुरुआत में ए और बी ओपन किए गए, जब टैंक पूरा भरने ने लगा, ऐसा समझा गया कि पूरा भर जाएगा, ये पाया गया कि सी भी यहां पर खुला हुआ है गलती से। अब सी को बंद किया गया, तो टैंक अगर यही दो अगर टैंक को भरेंगे तो कितना कितने समय में ये टैंक को भर देंगे? 60 अपॉन में 5, 12 मिनट्स में टैंक टैंक को भरा जाएगा। बट उन 12 मिनट्स में सी भी तो यहां पे चला है, तो सी ने 12 मिनट्स तक पानी निकाला और ए प्लस बी ने 5 की एफिशिएंसी से अगले 3 मिनट चले
और टैंक को इन्होंने वापस भर दिया, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आएगी, 5 × 3/12, 3 × 1 = 3, 4 = 5/4। वो हमसे पूछा है कि कितने समय सी अकेला टैंक को खाली करेगा, तो टाइम टेकन बाय सी 60, सी की एफिशिएंसी 5, ऊपर गया 4, 5 × 1 = 5, 12 = 12, 4 = 48 मिनट्स।